स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान पेपर का कंप्लीट सर्विस। ऐसी वीडियो में तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप पेपर देख लीजिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप जाइए, कमेंट कीजिए कि आपको आंसर चाहिए, किस भी क्वेश्चन का चाहिए तो आप क्वेश्चन आज पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर से कट चुका है, यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पूर्णांक होने वाला है यहाँ पर तो 70 नंबर का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 28 नंबर के आने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प दिए गए हैं, ये सही विकल्प देख लीजिए अच्छे से आप। ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि कौन सा मूलमात्रक नहीं है, तो मूलमात्रक ध्यान रखेंगे इसमें से डायरेक्ट बता देता हूँ। तो पहला आपका मूलमात्रक नहीं होता है, ठीक है, यानी कूलाम इसमें नहीं है, तो इसमें ये सब आपके मूलमात्रक में शामिल है, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ। अगला क्या लिखा, अधिकतम दूरी, ठीक है, तक प्रक्षेप करने हेतु कितने डिग्री का, कितने का कोण चाहिए आपको, तो ध्यान रखेंगे 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगला क्या दिया, प्रत्यास्थता संघटक, ठीक है, संघटक में संरक्षित रहता है, ठीक है, प्रत्यास्थता में क्या संगठित क्या रहता है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पाँचवा दिया गया, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया। अगला देखा, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक क्या होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा गलनांक, ठीक है, दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और ये अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में हम पूरे ही क्वेश्चनों का आंसर देखने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पर, तो ध्यान रखें, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होता है, तो 1 सेंटीमीटर घन के जो यहाँ पर भुजा का आयतन कितना होगा, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन देने वाले हैं, इनके आंसर देखने वाले हैं हम अगले वीडियो में। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर जो होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शक्ति, ध्यान रखना। कुछ चीज़ों के आंसर इसमें देख लेते हैं और जितने बचे हुए हैं वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अगला क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ से ये लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य की जो प्रत्यास्थता बल दिया है। अगला क्या दिया है, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है, यहाँ पर दिया गतिज ऊर्जा बल आघूर्ण जड़त्व का नियम, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से किस किस का आंसर है यहाँ पर, ठीक है, तो क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, सही जोड़ी देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया गया अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण दिया है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं यहाँ पर, गतिज ऊर्जा देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बल आघूर्ण दिया है, तो बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, ये देखना है। अगला क्या दिया, कोणीय संवेग किसे कहते हैं, ठीक है, कोणीय संवेग इसको देखना है, और पृथ्वी विभव किसे कहते हैं, ठीक है, इसको भी देखना है, और इसके बाद ये आपका नियम दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से देखना है, जो अगले हम लाने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं। यहाँ पर आप पेपर देख लीजिए अच्छे से क्या क्या है, ये आपके पेपर को अच्छे से देख लीजिए और इसके आंसर है आप ढूंढ लीजिए, और जो आपको नहीं मिल रहे हैं तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिए, तो उसमें मैं आपको कम्प्लीट सोल्यूशन इसका देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है आपके, ध्यान रखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, अच्छे से देख लीजिए इनको। ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिए। कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर दिया है कार्य ऊर्जा प्रिज्म में, यहाँ पर दिया प्रत्यास्थता स्थिति ऊर्जा की परिभाषा दीजिए, यहाँ कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, सदस्य के गुणों का देखना है, यहाँ पर 2 गुण लिखने हैं सदस्य के, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया यहाँ पर, किसी पिंड का जड़त्व या आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है, घूर्णन गति के जड़त्व में, ठीक है, ये दिया गया है यहाँ पर, भौतिक प्रकृति दी गई है। अगला क्या दिया गया आपका, अगला दिया है पलायन चाल किसे कहते हैं, ठीक है, भारहीनता किसे कहते हैं। अगला दिया गया आपका रेखीय चाल, ठीक है, ये धारा रेखीय प्रवाह एवं, ठीक है, प्रक्षेप्य धारा में कोई तो अंतर बताइए, स्प्रिंग के खींचने पर दबाव याद, यह क्वेश्चन दिया गया है, देखते चलिए इनको, ये दिया गया है अच्छे से देख लीजिए, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया कोणीय पिंड वेग वगैरह हैं यहाँ से, और ये दिया गया हमारा यहाँ से, ठीक है, कांच वाला बाह्य बल, तो देख लीजिए अच्छे से, यही आपके पेपर आने में आने वाले हैं, इनका मैं सोल्यूशन बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए इसका सोल्यूशन, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।